चुनावी माहौल में दिल्ली पुलिस की नजर अपराधियों पर है। पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं, हिस्ट्री शीटर्स पर भी नजर रखी जा रही है। मकसद एक ही है, 12 मई को लोकसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग के दौरान अपराधी वोटरों को डरा धमका ना सके। जो क्रिमिनल्स जिनकी इन्वॉल्वमेंट रही है पहले वोट बैंक को इन्फ्लुएंस करने में या इलेक्शन प्रोसेस में गड़बड़ी करने में, उनके खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा रही है। उनको या तो बाउंड डाउन किया जा रहा है या गिरफ्तार किया जा रहा है। चुनाव को अपराधियों के साय से दूर रखने के लिए पूरी दिल्ली में हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट तैयार की जा रही है और उनके हाल के व्यवहार के आधार पर उनको थाने में तलब किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अगर कोई घोषित बदमाश अपने इलाके में नहीं है तो फिर वो कहाँ है और क्या कर रहा है। बदमाशों पर अंकुश बनाए रखने और चुनाव को अपराधियों से दूर रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी का ड्राइव भी चलाया है, जिसमें 10 मार्च के बाद अभी तक 2000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट होने के बाद अब तक लगभग 2,250 प्रिवेंटिव अरेस्ट किए गए हैं। जो बैड कैरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। साफ है कि दिल्ली पुलिस की पूरी कोशिश अपराधियों पर नकेल कसने की है, ताकि कोई भी नेता या पार्टी बदमाशों की मदद से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश न कर सके। पुलिस का मानना है कि चुनावों के दौरान यदि कानून व्यवस्था को नंबर एक पर रखना है तो 10 नंबर ही सारे बदमाशों को काबू में रखना होगा। इसके लिए सभी थानों के रिकॉर्ड में 10 नंबरी बदमाशों की लिस्ट बना ली गई है और उन्हें ताकीद किया जा रहा है कि चुनावों के दौरान कोई गड़बड़ी पैदा ना करें, और जो बदमाश लापता हैं उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली।